उदयपुर जिले में दो दिन पूर्व लावारिस हालत में मिली महिला को मिला अपना परिवार। लेक सिटी न्यूज के प्रयास लाए रंग। परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट का भी रहा सराहनीय सहयोग। जी हां, आपको बता दें, जिले के सवीना थाना क्षेत्र में दो दिन पूर्व गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के बाहर लावारिस अवस्था में मिली महिला को उसका परिवार मिल गया है। दो दिन पूर्व यह महिला अपना नाम सुमित्रा बता रही थी, जिसे क्षेत्र के भीम सिंह सिसोदिया व लेक सिटी न्यूज की मदद से परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट को सूचना दी गई, जिस पर ट्रस्ट की जया कजरू व समीक्षा गौड़ द्वारा महिला को पुलिस की सहायता से रेस्क्यू किया गया, जिसे सैटेलाइट अस्पताल भिजवाया गया था, जिसकी खबर प्रमुखता से लेक सिटी न्यूज पर दिखाई गई। उसके बाद महिला का परिवार उदयपुर पहुंचा है। वह महिला को पुलिस की कार्रवाई के बाद परिवार के साथ बिछीवाड़ा डूंगरपुर भेजा जा रहा है। इससे पूर्व आपको बता दें, यह महिला पिछले कुछ दिनों से सवीना क्षेत्र के गिरजा व्यास पेट्रोल के बाहर घूम रही थी, जिसे भीम सिंह सिसोदिया ने देखा व सुबह शाम होटल पर खाने की व्यवस्था करवाई। हालांकि महिला दो दिन भर्ती रहने के बाद अब स्वस्थ हो गई है। महिला का नाम परिवार ने आशा बताया है। वह आशा का भाई व बहन पिता अपने साथ पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद बिछीवाड़ा ले जा रहे हैं। आपको बता दें, आशा नाम की इस महिला ने बताया कि उसका पति राजेंद्र गमिती उसे मारता था, जिस वजह से उसका तलाक भी हो गया था। तब से वह 8 माह से गुमशुदा थी। परिवार ने भी बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिल पाई। हालांकि सवीना पुलिस व डिप्टी चेतना भाटी के सराहनीय प्रयासों से बेटी को अपना परिवार मिल गया। इस पूरे अभियान में सर्वप्रथम जया कचरू, भीम सिंह सिसोदिया जिन्होंने सूचना दी, लेक सिटी न्यूज का प्रमुख रूप से आभार जिन्होंने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जया कचरू जो कि परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ी हुई है, इसके साथ ही क्षेत्र के भीम सिंह सिसोदिया जिन्होंने लेक सिटी न्यूज को इतला दी, जिसके बाद लेक सिटी न्यूज के प्रयासों से जया कचरू और समीक्षा गौड़ को मौके पर बुलाया गया और सवीना पुलिस की मदद से इसे रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद परिवार पहुंचा है और परिवार महिला को अपने साथ ले गया है। मेरा नाम मदनलाल बगरा है। जो मेरी बहन आशा 8 महीने से घर से निकल गई थी, उसकी मानसिक स्थिति खराब होने से निकल गई थी, और निकलने के बाद ही हमने थाने में रिपोर्ट दी थी, और इसके बाद हमने रिश्तेदारों और ढूंढा, इसके बाद नहीं मिलने की वजह से 8 महीने बाद आज जो बिछीवाड़ा थाने से पुलिस आई थी हमारे घर पे, फिर आके ने सूचना दी और उदयपुर सैटेलाइट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका पता दिया। इसके बाद हम दूसरे दिन सुबह उदयपुर आए इसको लेने के लिए और ले जा रहे हैं, और वो अभी इसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक चल रही है। मेरा नाम जया कचरू और मैं एक समाज सेविका हूँ, और ये आशा जिसने अपना नाम सुमित्रा बताया था, उसको 2-3 दिन पहले ही हमारे पास सूचना आई थी कि एक लावारिस महिला है जो गिरजावास पेट्रोल पंप सवीना में स्थित है, वहाँ पर ये पड़ी हुई थी 3-4 दिन से। और जब सूचना मिली तो हम तुरंत वहाँ पहुँचे और हमने देखा तो इसको बहुत तेज़ बुखार था, फिर हमने तुरंत सवीना थाने में सूचित किया तो वहाँ से थाने की गाड़ी आई थी, फिर 108 हमने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस के लेकर हम लोग इसको पासी में सैटेलाइट हॉस्पिटल हिरण मंगरी थाना लगता है यहाँ पर, वहाँ पर हम इसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के 2-3 दिन हो गए और इसको यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा था सुबह शाम खाना आपको लाना पड़ेगा, तो खाना लाते रहते थे। तो धीरे धीरे जैसे इसकी स्थिति में सुधार आने लगा तो फिर मैंने इससे पूछा कि तेरा नाम पता कैसे क्या है क्या नहीं है, तो इसने धीरे धीरे बताया। तो मेरी जो DYSP मैडम चेतना भाटी मैडम है उनसे मेरी लगातार बात हो रही थी जब से ये मिली उस दिन से लेकर 2-3 दिनों तक, तो जो भी जानकारी थी अपडेट में मैडम को ही दे रही थी। जैसे इसने अपनी जानकारी थोड़ी बहुत बताई, नाम पते इसके पिताजी के, इसके भाई का, और ये बिछीवाड़ा थाने लगता है इसका, इस तरह से इसने बताया था। मैंने DYSP चेतना मैडम को इसकी जानकारी दी।